हाँ जी, तो टायर का पंचर लगाने के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है आपका खुद का स्पोर्टी होना है कि आपने खुद ये लगाना है। तो सबसे पहले मैंने ये लगाना है, मैंने डिसाइड कर लिया, इट्स वेरी गुड। और स्पोर्टी लुक के लिए मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए, स्पोर्ट्स में आ गए हैं। आप चाहिए हमें दूसरी चीज, वो है टायर जिसकी हवा निकली हुई हो, जो पंचर हो, जो कि मेरा है, ठीक है। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है वो इंपॉर्टेंट चीज, जायंट का एक सेट आता है, जायंट मेरी बाइसाइकिल कंपनी का नाम है, तो उसी का एक सेट आता है, कंट्रोल पैच किट बोलते हैं, कंट्रोल पैच किट इस पे लिखा हुआ है। और अगर आप चाहो तो अमेजोन पे जाना और वहाँ पे टायर पंचर किट करके आप सर्च करोगे तो बहुत सारे ब्रांड के आपको मिल जाएंगे अलग अलग, तो हमारे पास तो यही है। तो इससे करते हैं, इसके अंदर क्या क्या पहले वो दिखाया था आपको। सबसे पहले मेरेगा ये दो चीजें हेल्प करेंगे हमें टायर खोलने में। उसके बाद में एक ये ग्लू स्टिक जिससे चिपकाने में काम आएगा, पैचेस के लिए ये पैच मिलेंगे चिपकाने के लिए, उस पर लगाने के लिए, और साथ में ग्लू स्टिक वाले अलग वाले दूसरे वाले पैचेस भी, ठीक है। तो ये सब इस किट के अंदर आता है, ये मिल जाएगा। तो आप चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है प्रोसेस वो दिखा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टूल जिससे हम हवा भरेंगे टेस्ट करेंगे वो ये, और एक पानी की बाल्टी जो कि अभी जब मैं खोल दूंगा तो पानी की बाल्टी को निकाल देता हूँ। क्या करना है, पहले हम खोलते हैं। ये हमने खोल के ढक्कन किया अलग सबसे पहले इसका, और इसमें जो बच्ची कुची हवा है हमें वो भी अलग करनी है। तो खैर बच्ची कुची हवा कुछ है ही नहीं, खत्म है पूरी हवा। इसको खोलने के लिए सबसे पहले ये जो इसका यहाँ से ये गोल सा नक्का है ये खोलो, इसको बाहर निकाल दो, और इसको बहुत संभाल के रखना है। तो संभाल के रख दिए दोनों साइड में। तो जो हमारे दो डिवाइस थे इसकी हेल्प से ही हम इस टायर को खोलते हैं। इसके आगे भी ये नुक्के दिए हुए होते हैं दो, जिसे हम चढ़ाएंगे टायर पर। खोलते वक्त के लिए हमें टायर निकालने के लिए पीछे वाले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पीछे दो एंगल बने हुए हैं ऐसे टाइट वाले, आगे वाले एंगल है पर पतले हैं, ये टूट जाएंगे अगर हम इससे करेंगे, तो हम पीछे वाले का यूज करेंगे। कभी कभार ये सम टाइम नहीं, ये टाइट रहेगा जब तक पूरी हवा निकलेगी, तो ये टाइट रहेगा। तो अभी पूरी हवा मैंने दबा दबा के निकाल दी तो पूरा थोड़ा लूज हो गया। तो हमने ये इसको लगाना है ऐसे, ये ऐसे लगाना है हमने, और इसको ऐसे करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये तो दूसरा वाला, इसकी हेल्प से दूसरे को लगाना है, और फिर इसके आगे देखो एरो बना हुआ है एक ना, ऐसे एंगल बना हुआ है। इस एंगल की हेल्प से हम इसमें डालेंगे और इसको ऐसे उठा देंगे, ठीक है। अब इसको इसमें लगा रहने दिया, इसको निकाला और अगले को, अब देखो यहाँ से थोड़ा चिपका हुआ है तो यहाँ से डाला और ऐसे कर दिया। तो ऐसे ही हम प्रक्रिया चलती रहेगी और ये हमारा पूरा टायर ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, देखो पूरा टायर ईजिली खुल गया। मैंने ऐसे 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 कर लिया, पूरा हाथ से घुमा लिया, तो ये अपने चीज़ें जो है इस चीज़ में यूज़ हो गई। अब इसको साइड में रखेंगे, अब यहाँ से घुमाएंगे टायर को बाहर निकालने के लिए। सबसे पहले इसको हमें अंदर डालना होगा, इसको हमने अंदर किया, यहाँ से टायर बाहर। तो ये आ गई ट्यूब, यहाँ ट्यूब बाहर, और ये आ गई ट्यूब। तो ट्यूब को हमने रिमूव कर लेना है, और सबसे पहले ये ढूंढना है कि पंचर कहाँ पे लगा है। तो ये अपनी ट्यूब आ गई बाहर फर्स्ट क्लास तरीके से। इसमें अभी हवा भरते हैं और लेट्स टेस्ट इट कि कहाँ से निकली है। हवा भरेंगे, धीरे धीरे हवा भर रही है, फर्स्ट क्लास तरीके से हवा भर चुकी है हमारी। टायर को भी चेक कर देते हैं। तो ये आ गई हमारी ट्यूब जिसमें हवा डल चुकी है। अब चेक करना है निकल कहाँ से रही है। मेरे घर में तो पानी का पूरा अरेंजमेंट है टप, आपको अगर नहीं होगा तो आपको बाल्टी से ट्राई करना पड़ेगा छोटी छोटी धीरे करके, पर टप में थोड़ा सा ईजी रहेगा क्योंकि मैं इजीली ज़्यादा बड़ी मात्रा में देख सकता हूँ कहाँ से बबल्स छूट रहे हैं। तो यहाँ कोई बबल नहीं है, जहाँ से पंचर होगा ना वहाँ से बबल्स आने लग जाएंगे। अभी तो कहीं बबल नहीं दिख रहे, देखो ये रहा, देखो गाइस ये उठ रहा बबल, ये देखो। तो यहाँ है पंचर, तो हमें इस जगह को मार्क करना है, और इससे इसके साथ में और एक जगह चेक करनी है कि और जगह से पंचर तो नहीं है। तो ये एक जगह तो अपने को मिल गई है, और हवा देखो कितनी तेज़ निकल रही है। एक जगह तो हमने डिसाइड कर लिया ये रही, अब हम और भी चेक कर लेते हैं, और तो कहीं पंचर नहीं है। तो ऑलमोस्ट हमने पूरा घुमा लिया, कहीं कोई पंचर नहीं है, सिर्फ एक जगह का छोड़ के जहाँ कभी उंगली रखी है यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो गाइस घर में मार्क करने के लिए कुछ था नहीं, तो मेरे को मार्क करने के लिए एक चीज़ मिली, वो है ये। तो चुपके से आप ही फटाफट से लेना और चुपके से रख देना। गाइस उस प्लेस को मार्क कर लें जहाँ से हवा निकल रही है, और थोड़ा सा ध्यान से मुझे फिर से दोबारा ढूंढना पड़ा है क्योंकि आपको बताने के लिए उस जगह मिस हो गई थी। सिंपल, अगर ऐसा नहीं मिल रहा और अंदाजा लग रहा, हल्का निकालो नेचुरल और यहाँ लगा लो, जहाँ से बबल उठ रहा होगा वहीं पेंचर होगा। तो ये नहीं है मार्क, हमने मार्क कर लिया, ठीक है। इतने से हमें पेंचर लगाना है, और इधर से मैं नीचे इसको वापस चुपके से। तो जी गाइस जो ये किट आती है, किट में एक ये रबिंग करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो उससे रब करना है इस जगह को, ताकि थोड़ा सा इसकी सरफेस जो है वो रफ कर दी जाए, ताकि यहाँ पे आराम से हम जो चिपकाएंगे वो इसीलिए चिपक पाए। तो ठीक से रब करना है, ज़्यादा भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है, ठीक से हिसाब से रब करना है अच्छे से। तो रब करने के लिए मैं तो बोल रहा हूँ कि हवा निकाल ही देते हैं, तब रब करेंगे। ये
पूरी हवा निकल गई, अब हम अच्छे से रब कर पाएंगे। निशान हमने लगा लिया था, यहाँ पे है, हमने जमीन पर रखना है इसको नीचे ऐसे, ठीक है, और उसके बाद में इसकी हेल्प से रब करना है। तो जी क्लीन करने के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया। तो जी इस किट के साथ में ना ये इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल की एक छोटी सी लिस्ट भी मिलती है। तो इसमें दोनों पैचेस लगाने का तरीका है, दो पैचेस मिलते हैं, एक विदाउट गम चिपकता है ऐसे ही, इसके अंदर गम लगी होती है ऐसे चिपक जाता है, एक होता है जो गम के साथ चिपकता है। तो लास्ट टाइम जब मैंने बैक साइड वाले टायर पे पंचर किया था तो मैंने गम के साथ वाले में किया था, तो वो एक यूज हो चुका है। तो अब एक हम ये यूज करते हैं जिसमें विदाउट गम यूज होगा, तो हम ये करते हैं इस बार। एक्चुअली इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि इस एरिया को एकदम क्लीन करना है और ड्राई करना है, तो हमने तो इस पे निशान दोबारा लगाया था, तो अभी इसको एकदम क्लीन कर देते हैं। और ड्राई तो ऑलरेडी है, तो क्लीन कर देते ताकि कुछ भी एक भी दाना ना चिपके यहाँ पे मिट्टी का, इससे हवा निकल सके, तो एकदम क्लीन कर देते हैं इसको। फिर जब एक और दूसरे कपड़े से हमने पोंछ लिया है, और पोंछने के बाद में ना एक और चीज हो सकती है, आपको पता नहीं चले कहाँ गया वो छेद, तो सिंपल है छेद पता करने के लिए, आप थोड़ा सा इसको ट्यूब को खींचेंगे ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो छेद दिख जाएगा आपको। तो मुझे पता चलेगा यहाँ पे छेद है, ठीक है, तो एकदम सही जगह पे है। अब इसमें अप्लाई करते हैं हम ये, तो हम सिंपली इसको इसमें से अलग करते हैं ऐसे, इसमें ऑलरेडी ग्लू लगा हुआ है तो कुछ नहीं करना है अपने को, बस इसको सीधा अप्लाई, कितना हार्ड ग्लू है क्या अच्छी पकड़ा है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कहाँ का अच्छे खोल के इसको हम यहाँ पे स्टिक कर देते हैं। तो जी ये लो स्टिक हो गया, अब इसको जेंटली थोड़ा सा प्रेस करना है, ना भी जेंटली नहीं थोड़ा हार्ड भी, कि ये चिपक जाए सही से, इस पर एकदम परफेक्टली इसका एक हिस्सा हो जाए। तो जी हम हिमाचल से कुछ एक चीज इंपोर्ट करके लाए थे जो हमारे घर के किचन में तो काम आती है, और आज किचन के साथ में हमारे ट्यूब का काम करने में भी काम आएगी, तो वो है ये गोल वाला देसी हिमाचल का पत्थर। गोल भी है ना, एक्चुअल में ठोकना नहीं है, ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे प्रेस करना होता है ताकि दब जाए। तो आई होप सो कि अब ये फाइनली बढ़िया से हो गया हो, तो एक बार दोबारा से हवा भर के टेस्ट कर लेते हैं कि भैया हमारी मेहनत कितना रंग लाई है। तो इसे टेस्ट कर लेते हैं, सबसे पहले वही डालते हैं जहाँ से ट्यूब का हमने जहाँ पे पेंचर लगाया, तो इसको डाल के अब देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो जी अब रिपोर्ट ओके की होगी है, कोई भी बुलबुला इसमें से अब नहीं निकल रहा है, यही पेंचर का पैच है और इस पैच को मैंने डाला अंदर, एक भी बुलबुला नहीं निकल रहा, ठीक है। तो इट्स डन, अब इसको सीधा इंस्टॉल करेंगे हम टायर में। एक बार टायर के अंदर हाथ मार के जरूर चेक कर लें कि जहाँ पे वो कील लगी थी वहाँ अभी भी वो कील है तो नहीं। एक्चुअल में जहाँ कील तो नहीं लगी थी, मेरे कांटा लगा था इसके ट्यूब में पार्क में, तो कांटा मैंने तभी बाहर से खींचा और तभी हवा निकलने स्टार्ट हो गई मेरी आंखों के सामने। पर ऐसे डेमो में आपको बता रहा हूँ कि ऐसे हमेशा अंदर हाथ डाल के एक बार हाथ घुमा ले, अगर कांटा वाटा या कील में कुछ होगी तो आपके ना हाथ में चुभ जाएगी या लग जाएगी, तो आपको पास जाएगा वो है, तो उसको भी नोक प्लास या प्लास से पड़े खींच लें। तो मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं मुझे पता है, पर फिर भी मैंने बता दिया। अब सीधा इसको करते हैं इंस्टॉल। तो ये हमारा जहाँ छेद होता है वहीं पर इसको जाएंगे, जो ये साइड है इसको इस छेद से यहाँ से अंदर वापस करना है हमें। इसको लगा दिया हमने ऐसे और ट्यूब को अंदर, बाकी ट्यूब अपने आप अंदर अपनी सेटलमेंट कर लेती है एकदम फर्स्ट क्लास। तो कैसे किस एंगल में होना है, ये लग गई ट्यूब। इसके जो वॉल्व है वॉल्व को भी हमें लॉक करना है, तो ये हमने संभाल के रखा था वॉल्व के लॉक के लिए, तो उसको हम वापस से लगा देंगे ताकि ये इधर उधर नहीं भागे, और इसको पूरा एंड तक कसना है, ठीक है। ये इतना ही कस गया, अब वापस कैसे लगाना है टायर को वो हम देख लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में तो ऐसे हाथ से ही टायर को अंदर कर देंगे सिंपली, बाइक का टायर तो है नहीं इतना हार्ड होगा, साइकिल का टायर होता है, हाथ से ऐसे ऐसे किया अंदर हो गया, ठीक है, एंड बसता है। तो जब हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो हमने इसका यूज किया था, इसक्वल साइड का, अब हम करेंगे इसका यूज। तो अंदर डालने के लिए सिंपल है, इसको इसमें फिक्स किया ऐसे कर देंगे, ये इसमें रह गया, दूसरा डाल लेंगे उसको ऐसे लगाएंगे और ऐसे अंदर को फोल्ड कर देंगे, इसको वापसी, इसको भी वापसी, ऐसे निकाला, इसको लिया, इसको फोल्ड करा अंदर, इसको लिया अंदर। तो जी ये हमारा पूरा टायर लग गया एकदम फर्स्ट क्लास सिंपली वे में। फाइनली हमारा टायर रिपेयर हो चुका है और पंचर लग चुका है। तो आशा कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इतनी गर्मी में बिना पंखे के ये काम करना, स्वेटी स्वेटी होना, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक करना, ताकि कोई भी न्यू मेरी वीडियो आते हैं तो वो आप तक जरूर पहुंचे। तो इसी के लिए हमेशा की तरह आपसे बोलूंगा, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, अपना ख्याल रखिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।